अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू जेड राइट्स। तो इस वक्त मैं आपको आज चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो है जी ओके एक्स की मिस्ट्री बॉक्स। और बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस्ट्री बॉक्स यहाँ पे आ चुके हैं, आप जितने चाहें अनलिमिटेड मिस्ट्री बॉक्स जो है यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करने हैं, क्या यूज़ है इनका, टोटली बताऊँगा, वीडियो एंड तक देखनी है, आपको फ़ायदा होगा। अब ये चेक करें, ये मेरा अकाउंट है जिसके अंदर मिस्ट्री बॉक्स अवेलेबल है। मैं आपको अपना बैलेंस भी चेक करवा देता हूँ, $8 यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस है। और ये बैलेंस किस तरह से बना, सारी बातें एंड तक वीडियो में आपको क्लियर होंगी। तो पहली बात तो ये है कि ये मिस्ट्री बॉक्स हम ओपन करते हैं, इसे निकलता क्या है। शुरू शुरू में इस तरह से था कि यहाँ पर जो है हमें मिला करते थे BTC, DOT और बहुत सारे ऐसे टोकन मिलते थे जिनकी अच्छी खासी वर्थ होती थी। अब यहाँ पे हमें मिल रहे हैं जो वो हैं रिबेट कार्ड्स। तो रिबेट कार्ड्स का एक्चुअल यूज़ क्या है मैं आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ से मुझे एक USDT का रिबेट कार्ड मिल गया। आप जितने चाहें यहाँ से इजीली कलेक्ट कर सकते हो यार। अगर तो आप ट्रेड कर रहे हो OKX पे, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है यहाँ से मिस्ट्री बॉक्स कलेक्ट करके इनको यूज़ करने का। क्योंकि वैसे अगर आप जो है ट्रेडिंग के दौरान आपके पास रिबेट कार्ड्स ना हो, तो आपको अच्छी खासी अमाउंट जो है वो एज ए टैक्स भी पे करना पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने मिस्ट्री बॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं। अभी कलेक्ट करने का तरीका कार आपको समझाता हूँ किस तरह से आपने कलेक्ट करना है, उसके बाद यूज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिंक जो है आपको नज़र आ रहा है, इस लिंक को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी कर लेंगे। और आपने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाकी के भी सारे ऑप्शन आपके पास और सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो अभी जो है यहाँ से इसको कॉपी करना है और फ्रेंड्स को शेयर करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हम गलती करते हैं, वो ये है कि हम दोस्तों को रिमाइंडर नहीं देते और वो अनक्लेम वैसे के वैसे रिबेट कार्ड्स पड़े रहते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं। लाइक ये देखिए, आप यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्सपायर हो चुका है। तो ऐसा काम नहीं करना, आपने डेली की बुनियाद पे यहाँ पे आना है। अगर तो आपने अपना लिंक जो है वो शेयर करा हुआ है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपके साथ वो ज्वाइन है, तो आपने जस्ट जो है उन्हें डेली की बुनियाद पर यहाँ पर आना है और आके जो है रिमाइंड करवाना है। रिमाइंड का ऑप्शन आपको एंड पे मिलेगा, रिमाइंड आपने डेली बेस पर करवा देना है ताकि आपके साथ वो ज्वाइन हो और आपको रिबेट कार्ड्स मिल जाएँ। अभी रिबेट कार्ड्स का यूज़ क्या है, इस तरफ आते हैं। और अक्सर मैंने इस पर पहले दो वीडियोस बनाई हैं और यही कहा जाता है कि यार आप ना रिबेट कार्ड्स के बारे में बताते नहीं हैं, बातें बहुत करते हैं। तो यार इसका यूज़ मैंने आपको एक्चुअल बता दिया, अब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो आपके यूज़ में ये नहीं आ रहे, तो आपके लिए शायद वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो लेकिन किसी यूज़ में ना आए। तो इसका मकसद ये होता है कि रिबेट कार्ड्स आप एज ए टैक्स यूज़ करते हैं जब आप यहाँ पे आके ट्रेड करते हो OKX पे। बिल्कुल जैसे आप बाइनांस पे जाते हो तो वहाँ पे आपके कुछ डॉलर्स की परसेंटेज जो है वो कट जाती है जब आप कोई टोकन परचेज़ करते हो। जस्ट लाइक दैट OKX पे भी यही सीन चलता है। तो आप इसका यूज़ जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए कर सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको मेरी बात समझ आ गई है, जो नहीं करते वो इस बात को इग्नोर कर दें। उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिससे उनको पता चल गया कि रिबेट कार्ड्स का आपने यूज़ कहाँ पे करना है। लेकिन मैक्सिमम रिबेट कार्ड्स आपको मिलेंगे जब आप फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे अपने OKX के लिंक को।